अदानी विल्मर, अदानी विल्मर के बारे में सवाल है अजय शर्मा जी का, और इन्होंने पूछा है कि 150 शेयर खरीद रखें 144 के भाव पे, रखे रहें या निकल जाएं, इस दुविधा में है अभी। तो ना कुछ करने को तैयार है, मतलब आईटीसी से प्रेरित है, कुछ करने को तैयार ही नहीं है। कितना पे खरीद रहे हैं? 144 अदानी विल्मर। तो आप तो पॉजिटिव हैं, प्रॉफिट में हैं, फिर किस बात की चिंता है? लेकिन इन्होंने कब खरीदा होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। 144 का प्राइस अदानी विल्मर तो मुझे नहीं दिख रहा। अभी लिस्टिंग के समय का ही मैं देखूं तो भी मुझे 225 के आसपास ही दिख रहा है। हाँ, तो ये शायद तो इनके खरीद भाव के स्टॉक बारे में का तो शायद स्टॉक के नाम का कोई कंफ्यूजन हो सकता है, उस चीज को देखना चाहिए। नहीं, नाम तो इन्होंने बहुत साफ साफ अदानी विल्मर ही लिखा हुआ है। खैर एनीवे, तो इनका खरीद भाव जो है उसको छोड़ देते हैं कि इन्होंने कितने पे खरीदा है, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से ये नीचे आकर के शांत पड़ गया है, ठंडा हो गया है एक रेंज के अंदर, क्या कोई तूफान से पहले की शांति है? नहीं, इसमें कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है राजीव जी। अदानी विल्मर में एक बहुत हलचल हो ऐसा भी कुछ नहीं है। नेट नेट जो दिख रहा है यही है कि ये बहुत लॉन्ग बेस बना रहा है, बहुत लॉन्ग बेस। वैल्यूएशन तो इनके कभी भी अच्छे रहे नहीं है। एक बार ही देख लेते हैं अदानी विल्मर का वैल्यूएशन। हाँ, तो कैसे जस्टिफाई करूं मैं, क्या ग्रोथ रेट है? ग्रोथ रेट भी नहीं उतना मुझे दिख रहा। जो ग्रोथ रेट है इनका एनुअल रन रेट वो नेगेटिव है। FY24 का 12% सेल्स नेगेटिव गया है, इसके बावजूद भी ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है। तो मे भी मुझे पढ़ना नहीं आता रहे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अदानी विल्मर वैल्यूएशन ही मैं नहीं समझ पा रहा, तो मैं आगे सजेशन क्या दूँ? स्टे अवे से के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। नाम में अदानी है इसलिए कुछ लेवल्स डिस्कस कर लेना चाहिए। 315 इसकी, उसके नीचे करेक्शन होगा, उसके पहले करेक्शन नहीं होगा। जी बिल्कुल, इनका जो क्या असली समस्या मार्जिन को लेकर के है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत अच्छा नहीं निकल रहा। क्या इन्हें थोड़ा मैरिको वगैरह से जाके ट्यूशन लेनी चाहिए? नहीं, सेल्स, फोकस ऑन सेल्स। कोई भी बिजनेस का सस्टेनेंस सेल्स है। जब तक सेल्स नहीं होगा बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो सकता। थोड़े समय क्या करेंगे? थोड़े समय में किसी का कॉस्ट काट देंगे, किसी की सैलरी काट देंगे, किसी काम मर्ज कर देंगे, यही सब करेंगे ना। लेकिन अगर लंबे समय तक रहना है तो सेल्स में फोकस करें। जी, तो कृपा जो है वो सेल्स में अटकी हुई है, हाँ, इस पॉकेट से निकलेगी पता नहीं। तो कोई चटनी, कोई समोसा, कोई कैसे आएगी कृपा? सेल्स वो कैसा वो बढ़ाना है वो कंपनी जाने, जी उनकी कृपा कहाँ पे है।